डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा व नंद कुमार चौहान को करना पड़ा विरोध का सामना। कल शाम गुना में सर्व समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा व नंद कुमार चौहान को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर ली गई थी। वहीं सर्व समाज के लोग हनुमान चौराहे पर एकत्रित हो गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें वहीं पर रोके रखा गया। वहीं प्रभात झा और नंद कुमार चौहान को गोपालपुरा के रास्ते निकाल दिया गया, जिससे कि जो लोग उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे वह वहीं के खड़े के खड़े रह गए। जी नंद कुमार चौहान जी एवं बीडी शर्मा जी जो जहाँ आए हैं वो यहाँ से मुंह छुपाकर पीछे से भाग गए और वहाँ के सवाल ले रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। केवल हम ये बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो कानून पास किया है वो बिल्कुल सर्व समाज के खिलाफ किया है। उनको ऊपर धारा घात है और प्रबल आंदोलन होगा। गुना दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा व नंद कुमार चौहान ने गुना के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। आप सबको मालूम है कि आगामी आने वाला समय 2018 का विधानसभा चुनाव की दृष्टि से विभिन्न आयामों पर हमने मतदान केंद्र तक जो व्यवस्था बनाई है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको गति देने के लिए प्रभात जी भाई साहब करेंगे। मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि 6, 7 और 8 इन 3 दिनों में हमारा जो महाजनसंपर्क अभियान है उसमें यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, जब कमलनाथ जी जैसे उद्योगपति को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया और महलपति को उन्होंने अपने अभियान समिति का संयोजक बनाया, और दूसरा वो उस समय हार जाएंगे जिस समय समझौता करेंगे या नेता को भाजपा का एजेंट कहा जाए और उसके बाद भी वो समझौता के लिए निहोरे करे तो इससे दुख का विषय नहीं हो सकता। काम अभी कम किए क्या भाजपा आगामी भविष्य में जो होना है, अब जैसे भी चुनाव होना उसको देख के डर गई है? तेल के काम कम किए गए, बढ़ गई तो खराब है, कम कर दिया तो डर गई। ये आप बोल सकते हैं 2 रुपए बढ़ा के एकदम 5 रुपए कम नहीं, फिर होगा उन्होंने कहा है धर्मेंद्र जी ने कि और भी कम, इसलिए मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाया उन्हें। मध्य प्रदेश के सभा सदस्य हो,
प्रभारी बनाया ना, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका उड़ीसा से ज्यादा हमारा अधिकार है उन पर, इसलिए उनको प्रभारी बनाया है। नहीं, मायावती जो बयान दिया था दिग्विजय सिंह जी को लेके, आप सहमत है क्या उस बयान से? उनके बयान में कितनी है? देखिए मायावती जी या अन्य, हम तो सबके साथ कभी रहे नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के समर्थन और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर चुनाव लड़ रही है। मेरे संपर्क में अरुण यादव जी, मेरे संपर्क में सुरेश पचौरी भाई साहब, मेरे संपर्क में ज्योतिरादित्य जी और मेरे संपर्क में स्वयं कमलनाथ जी हैं। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हो तो आप उनके बात पे भी विश्वास करें। किस तरीके का संपर्क है भाई? आप समझ लीजिए ना उनका किस तरह का। आज तक कोई गया क्या? हंसी मजाक एक अलग चीज है, गंभीर व्यक्ति जो 37 साल से सांसद है उनकी भाषा में गंभीरता होती है। सिंधिया का आप खुलासा कर रहे थे, एक बड़ा खुलासा। वह बहुत दिन के बाद करेंगे, समय आने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे मैं फिर उसको अभी कहने से कोई, मैं बार बार कहता हूँ, समय आने दीजिए। आँख में काजल लगाइए तो कालिक है, गाल पे लगाइए तो आँख में काजल है, गाल पे कालिक है। पुलिस विभाग की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का आरोप के कुछ पुलिस वाले उस पर जिला बदर की कार्रवाई करने में लगे हैं। फरियादी का कहना है कि वह पिछले कई सालों से पुलिस की गाड़ी चला रहा है, लेकिन कैंट थाने के कुछ पुलिस वालों द्वारा किसी अन्य आरोपी की फाइल को उसकी फाइल में लगाकर उसके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, जिसको रुकवाने के लिए आज वह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचा। राकेश घोषी दूसरा है, घोषीपुरा में रिकार्ड वार्ड नंबर 28 में, उसका रिकार्ड मेरे रिकार्ड में लगा दिया है। मेरा जिला बदल की कार्रवाई करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है ये? कुछ लोग, मैं पुलिस का वैसे ही काम करता था, कुछ लोग स्टाफ वाले हैं मिलने वाले, कुछ लोगों ने मेरा रिकार्ड, आपराधिक रिकार्ड, उसका रिकार्ड मेरे रिकार्ड में लगा दिया। कौन से थाने में रहते थे आप? केरन थाने में रहता हूँ मैं। मैं कल दीवान जी से भी जाकर मिला रमेश दीवान जी से, उन्होंने कही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जयराम रजिस्टर भी मैंने उनको दिखाया था, मैं पुलिस के साथ काफ़ी रहता हूँ, मुझे रजिस्टर भी डालकर जानकारी है। लेकिन जय दीवान जी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रकार से कुछ नहीं होगा, तेरा जिला बदल नहीं होगा। मैंने कहा साहब जी मेरा नहीं है, इसको तो कम कर दो, मेरे एक अपराध कम हो जाएगा। कहने चल जा नहीं, ऐसे कम नहीं होगा। अभी आपको कौन सा अपराध? अभी मेरे से एक वर्तमान में एक आरोप में चल रहा है, जो मैं TI साहब की गाड़ी चलाता था उस समय मुझे को लूट में बना दिया था। कौन से TI साहब चला? अभी प्रताप सिंह जी चला रहा था गाड़ी, उस समय मुझे लूट में बंद कर दिया था। और आप करीबन कितने सालों से कैंट थाने में? मैं कम से कम 20 साल से पुलिस के साथ रह रहा हूँ, मैं 20 साल से पुलिस के साथ रह रहा हूँ, काफ़ी मेरे को जानकारी है। अभी आपने कैंट थाने में TI साहब से बात करी? TI साहब से बात करी थी मैंने। TI साहब कहेंगे चलो बाद में आना, इसके बाद में मेरी जिला बदल में 9 तारीख लगी है, श्रीमान कलेक्टर साहब मोदी के पास में, उनसे मिलने भी आया था, आवेदन भी दिया मैंने ऊपर अभी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए मेरे साथ कल जो है। इसके पहले भी आप पर कोई केस है क्या? इससे पहले है केस मेरे पास, एक दारू में TI साहब ने बंद कर दिया था, उनकी गाड़ी मैंने चलाने से इनकार कर दिया था, जैसे मैं समाज तामी में लोगों पर दस्तखत करते हैं। कौन से TI साहब ने? KK सिंह जाट थी। समाज तामी पर दस्तखत करवा लेते हैं जो लोग नहीं करते, तो उल्टे सीधे क्वेश्चन बंद कर देते हैं। मेरे पास 20 समाज तामी है, ये दस्तखत करवा लेते हैं, जो लोग नहीं करो तो बंद कर देते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ, मेरे गाड़ी चलाने का बोला, मैंने मना कर दिया तो बंद करने की धमकी देने लगी। आरोन में राज्यसभा सांसद प्रभात झा एवं नंद कुमार चौहान को दिखाए गए काले झंडे। गुना से भोपाल के लिए निकल रहे थे, वहीं आरोन में SC ST कानून के खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों ने राज्यसभा सांसद प्रभात झा एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे एवं नारेबाजी भी की, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा मुर्दाबाद एवं कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मौके पर पुलिस प्रशासन और अधिकारीगण मौजूद थे, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने काले झंडे दिखाए। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। कलेक्टर
कलेक्टर से अपनी फसल की पैसे दिलाने की मांग को लेकर आज लोग पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। धाननखेड़ी निवासी रामदयाल धाकड़ ने जून में 75 क्विंटल चना समर्थन मूल्य पर बेचा था, जिसमें से 35 क्विंटल चना उसे वापस कर दिया गया। वहीं 40 क्विंटल के पैसे उसे अभी तक नहीं मिले। इस बीच उसे अटैक भी आ गया था, जिसका इलाज उसका कोटा में चल रहा है। वहीं किसान कई चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसकी फसल के पैसे उसे नहीं मिले हैं। मैं धाननखेड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने 75 क्विंटल 50 किलो चना तो लाए थे, 35 क्विंटल 50 किलो चना तो मुझे वापसी हो चुका और 40 क्विंटल चने का मुझे पैसा अभी तक नहीं मिला। और उसी रोज़ मुझे अटैक आ गया था, जिसका पैसा मुझे 2 लाख रुपए लगे थे, मुझे अभी तक कोई पैसा नहीं। कितना पैसा है आपको? 1,76,000 रुपये मेरे बाकी। इसको कितने महीने हो चुके हैं? 10 जून को चना चलवाया था मैंने। तो आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की? सब किया, बार बार 50 बार आया, कल आना, परसों आना, 2 रोज़ बाद आना, पूरी बारिश हो चुकी, मैंने अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं। बमौरी से मरीज को लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस वाहन नया गांव के पास में जा गिरा। जानकारी के अनुसार सामने से आ रहे तेज गति से ट्रक के कारण 108 एम्बुलेंस जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार एम्बुलेंस में 5 से 6 लोग थे, जो किसी घायल को लेकर गुना जा रहे थे। घटना में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। वहीं घायलों को और मरीज को अन्य वाहन से गुना के लिए भेजा गया। नाम है आपका? मुकेश कुमार दादा। क्या हुआ था? सामने से ट्रक आया, स्पीड में ट्रक था, मैं पेशेंट लेके जा रहा था, मैंने थोड़ी सी शोल्डर पर गाड़ी दबाई, आगे से गड्ढा, गड्ढे तक कंट्रोल की, गड्ढे में कंट्रोल हो पाई जब तक गाड़ी उलट गई। तो इसमें कितने लोग सवार थे? 6 लोग सवार थे, 4-3 अटेंडेंट थे, एक मरीज था और 2 लोग हम थे, एक जो इमरजेंसी डॉक्टर होता है वो और मैं। तो मरीज कहाँ के थे? मरीज रेफर था हमारे लिए बमौरी से, लेकिन वो भुटियारी गाँव का। तो किसी को जन हानि तो नहीं? किसी को कुछ जन हानि नहीं। जो मरीज था वो छत से गिरा हुआ था, वो उसका सर पहले से ही फटा था, वो उसी का भर्ती नहीं हुआ, सुरक्षित है हॉस्पिटल में, उसको दूसरी एम्बुलेंस से भर्ती करवा दिया। सुबह कितने बजे की घटना? ये 4:30 से 5 बजे के बीच की घटना। सुबह 4:30? 4:30। डैम नदी पर बनने वाले बांध का हुआ शिलान्यास। मकसूदनगढ़ के कृषि उपज मंडी ग्राउंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डैम नदी पर 365.15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बांध का शिलान्यास किया। बांध का पानी 3 जिलों के किसानों के लिए मिलेगा, जिसमें शामिल है गुना जिला, भोपाल जिला एवं विदिशा जिला। इन जिलों के किसानों को अपनी जमीन की सिंचाई के लिए इस डैम नदी के पानी से पानी मिलेगा, जिसमें गुना जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र के 79 गांव के किसान शामिल हैं, जिन्हें डैम नदी का पानी अपनी जमीन की सिंचाई के लिए मिलेगा। बांध की ऊंचाई 23 मीटर 10 फीट रखी गई है। इस मौके पर विधायक सांसद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नेताओं ने पूछो अगर हमने एक भी कन्या का विवाह आज तक किया है क्या, और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार में। और ये सारा सिस्टम एक स्काडा सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज प्रणाली है, उससे संचालित किया जाएगा। एक स्थान पर बैठ कम नहीं है तो कुछ लोगों को उसमें भी तकलीफ हुई। आप देखिए गुना से अगर आप गुना और दीनगंज के बीच में सफर कर रहे हैं, या गुना और जंजाली के बीच में अगर सफर कर रहे हैं तो कितना समय लगता है? 30 मिनट में आप लोग आ जाते हो, आपको 30-40 मिनट में आप दीनगंज। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।